भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। नमस्कार मेरे मित्रों, आजकल आपने सोशल साइट पे बड़ा देखा होगा कि भैया बैकडोर एंट्री, हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टॉप एमएनसी कंपनी, पैकेज विल बी 5 to 6 लाख, चार्जेस एप्लीकेबल। ऐसे बहुत सारे आपने पोस्ट देखे होंगे, देखे है ना, और आप में बहुत लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा, लेकिन एट लास्ट उनको क्या मिला होगा वो उनको पता है। तो मेरे दोस्त, ये जो बैकडोर एंट्री का स्कैम है, ये एक स्कैम, मैं आपको बता दूं, ये एक स्कैम है। इस चक्कर में आप कभी मत पढ़िएगा। आपको क्यों नहीं पढ़ना है, इसी चीज को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं अंकित कुमार, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। लेट्स मूव ऑन। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और अगर आप जेन्युइन जॉब की तलाश में हो तो आप मेरा एफबी पेज जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है ईजेएस, इजी जॉब सीकिंग। तो अब हम बात करते हैं बैकडोर एंट्री की। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी जॉब जो होती हैं, कहीं पे भी अगर कुछ भी चार्ज लगता है, वो जेन्युइन जॉब नहीं होती, वो सारी फेक होती, आप उसमें सिर्फ धोखा खाओगे। और आजकल ये जो धोखेबाज लोग हैं, इनको पता है कि आईटी इंडस्ट्री या बीटेक करने के बाद मार्केट में जॉब नहीं है। 1 लाख बीटेक इंजीनियर आता है तो उसमें से सिर्फ 1000-2000 लोगों की जॉब लगती है। इसी चीज का ये बंदे फायदा उठाते हैं, आपके इमोशंस के खेल रहे हैं। सोचो, आपने इतनी जगह इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप क्या कुछ पैसे इन्हें दे के आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है रियल टाइम पे? थोड़ा सा कॉमन सेंस आप अपना यूज करिए, जो आप इन लोगों के पास चले जाते हो पैसा देने के लिए। मेरे दोस्त, ऐसा बैकडोर एंट्री का प्रोसीजर कहीं भी नहीं है। बहुत से लोग ठगे गए हैं। अरे, अगर आप गरीब हो, आपने होम लोन लिया है, आप उनको इसलिए पैसे दे देते हो, होप में दे देते हो पैसे कि शायद आप मेरी किस्मत पलट जाए, मुझे जॉब मिल जाए और मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी हार्ड अर्निंग मनी, अपने घर के जो कमाई है, जो आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है, इन धोखेबाज लोगों को मत दो। इस आईटी इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में, जहां पे भी प्राइवेट जॉब होता है, कहीं भी बैकडोर एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब बिचौलिए लोग बोलते हैं, ये सिर्फ आपके इमोशन से खेलते हैं। तो मेरे दोस्त, बैकडोर एंट्री से आप बचो, जेन्युइन जॉब की तलाश में आप रहो। बैकडोर वाले में कभी विश्वास मत करो। जहां भी आपको पैसे मांगे जाते हैं, आप वहीं से बाय बाय टाटा बोल के चले आओ, क्योंकि आपको ये सारे चीजें फेक ही मिलेगी मार्केट में। मेरे दोस्तों, मैंने ये बैकडोर एंट्री का कॉन्सेप्ट ना बहुत करीब से देखा हुआ। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, हम लोग बेंगलोर में जॉब खोजते थे। एक मेरा फ्रेंड था, उसका केवल सपना था कि उसको टॉप एमएनसी कंपनी में ही जॉब करनी है। छोटी मोटी कंपनियों में जॉब करने ही नहीं जाता था। उसको कहीं से फेसबुक से उसको एक पोस्ट मिला, जहां पे बताया गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए उसका जुगाड़ हो सकता है, लेकिन उसको 1 लाख रुपए चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि वो बंदा बहुत अच्छा था, समझदार था, लेकिन वो उसके बहकावे में आ गया, उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया, और उसने उसको 1 लाख रुपए पे किया। अब देखो, बंदा कितना चालू था आईबीएम में। उसने आईबीएम के कैंपस पे इंटरव्यू लेने के लिए ही बुलाया, एक अलग से रूम में बुलाया। वहां पे बाद में इसको जॉब ऑफर लेटर भी भेजा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, सेम आईबीएम के ऑफर लेटर पैटर्न पे। लेकिन जिस दिन वो ज्वाइन करने गया और वो जो ज्वाइनिंग लेटर का नंबर होता है, उन्होंने एचआर मनाया, तो एचआर ने मना कर दिया कि भैया ये तो आपका जेन्युइन है ही नहीं कॉल लेटर, आपको किसने इशू किया हुआ है। आप जब उसको कॉल ईमेल लगा रहे हैं तो वहां से वो उठ ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा। जब उसने FIR किया, पुलिस ने छानबीन करना स्टार्ट की, क्योंकि उसका थोड़ा जुगाड़ था, इसलिए पुलिस थोड़ा करीब से देखने लगी थी। तब पता चला कि वो बंदा आईबीएम के चेन्नई वाले लोकेशन पे आईबीएम पे काम करता था, बेंगलोर में उसने आके इंटरव्यू लिया था और ये सारे फ्रॉड किया। तो मेरे दोस्त, उसने तो 1 लाख रुपए निकाल लिए, लेकिन हम
आप जैसे लोगों के पास इतनी औकात नहीं है कि आप अपने जिसको भी पैसे दे देते हो उससे अपने पैसे वापस ले लो। तो मेरे दोस्तों, आज से आपको जहां भी बैकडोर एंट्री का पोस्ट मिले उसको आप रिपोर्ट करो, आप उसको कंप्लेन करो, रेदर देन कि कोई उसमें फंस जाए, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है किसी और को जानना चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर उसको जरूर दूंगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।